हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑडी से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सके। इस कंपनी की शुरुआत 16 जुलाई 1909 में अगस्ट हॉर्स ने की थी, जर्मनी के ज्यूरिख में। इस कंपनी के लोगो में बने चार रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं चार अलग अलग कंपनीज को, ऑडी, डीकेडब्ल्यू, हॉर्स और वंडरर, जो कि एक साथ मर्ज हुए थे। शुरुआत में इस कंपनी का नाम कंपनी के फाउंडर अगस्ट हॉर्स पर रखने वाले थे, लेकिन कॉपीराइट इश्यू की वजह से इस कंपनी का नाम ऑटो यूनियन रख दिया गया। 1932 से लेकर 1948 तक इस कंपनी को ऑटो यूनियन के नाम से जाना जाता था। दरअसल जर्मनी में हॉर्स को लिसन कहा जाता है और लिसन को लैटिन में ऑडी कहा जाता है, इसलिए इस कंपनी का नाम ऑडी पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑडी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने इस दुनिया का सबसे पहला क्रैश टेस्टिंग किया था। जी हां दोस्तों, दरअसल 1938 में ऑडी ने अपने मॉडल F7 व्हीकल को ऊंचाई से क्रैश कर देखा था, और यही वजह है आज ऑडी को सबसे सेफेस्ट कारों में गिना जाता है। 24 घंटे के लीमंस रेस को जीतने के मामले में ऑडी दूसरे नंबर पर आता है। इस कंपनी ने अब तक कुल 13 लीमंस रेस चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम कर रखा है। पहला 2000 से लेकर 2002 तक, दूसरा 2004 से लेकर 2008 तक, और तीसरा 2010 से लेकर 2014 तक। और ऐसे ही पहले नंबर पर आता है पोर्श, जिसने कुल 18 लीमंस रेस चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम कर रखा है। इस कंपनी द्वारा बनाए गए सबसे सस्ते मॉडल का नाम है ऑडी Q2, जो कि एक एसयूवी कार है। इस कार में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, जो कि 187 का BHP और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बात करें प्राइस की, तो वो है 35 लाख रुपीस। वही अगर हम बात करें इस कंपनी द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे महंगे मॉडल के बारे में, तो वो है 2003 ऑडी लीमंस कॉन्सेप्ट। इस कार में 5.0 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज V10 इंजन लगा हुआ है, जो कि 610 का हॉर्स पावर और 750 का NM टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की टॉप स्पीड है 345 किलोमीटर पर आवर। बात करें प्राइस की, तो वो है $5 मिलियन, यानी कि 37 करोड़ 13 लाख रुपीज। ऑडी एकमात्र ऐसी ऑटोमेकर कंपनी है जिसने इस दुनिया के सबसे पहला लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया था, और उस मॉडल का नाम है टाइप के। यही वजह थी कि लोगों को शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइव करने में काफी दिक्कत होती थी, और आज भारत देश में जितने भी कार्स अवेलेबल है उन सब के स्टीयरिंग व्हील्स लेफ्ट हैंड साइड में ही है। ऑडी RS एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसे बनाने के लिए ऑडी केवल एक्सपीरियंस वर्कर्स को ही रखता है, क्योंकि इस कार को बनाने के लिए एक साथ 5000 अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा जाता है, जिसे बनाने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है। आप लोगों ने कई सारे अलग अलग कार्स में अलग अलग प्रकार के टेल लाइट्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन ऑडी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे अपने यूनिक स्वाम ओलेड टेल लाइट्स बनाने के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा बनाए गए टेल लाइट्स काफी इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक देते हैं। ऑटो यूनियन डी टाइप को ऑडी द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे रेयरेस्ट व्हीकल्स में से एक माना जाता है। दरअसल 1930 में अडोल्फ हिटलर ने ऑडी को एक सुपर रेसिंग कार बनाने के लिए कहा था, ताकि दूसरे कंट्रीज को जर्मनी के बढ़ते टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके, और इस मॉडल की केवल 5 कारों को ही बनाया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑडी और ओलंपिक के रिंग्स दिखने में काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन फर्क ये है ऑडी में 4 रिंग्स हैं और ओलंपिक में 5 रिंग्स। यही वजह है कि इन दोनों के बीच काफी समय से इसी चीज को लेकर झगड़ा हो रहा है, इसलिए ओलंपिक्स ने ऑडी के ऊपर केस ठोक दिया था, लेकिन आखिरकार ऑडी ने ही इस केस को जीत लिया था। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।